बंदिश है और السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم हैदरी अम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तुदा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे हस्तान। आप तमाम आशिकान अली को दिल की गहराइयों से जश्न मौलूद काबा बहुत बहुत मुबारक। आज का ये दिन 13 रजब हमारे लिए बहुत खास दिन है, हमारे लिए बहुत ही खास दिन है और साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में एक महीना रमजान मुबारक का होता है। रमजान में रोजेदार पहचाने जाते हैं, उसके बाद फिर एक महीना जुलहज्जा का आता है, जुलहज्जा में हाजी पहचाने जाते हैं। उसके बाद फिर एक महीना मिलाद का आता है, मिलाद में आशिक पहचाने जाते हैं। उसके बाद फिर एक महीना ग्यारहवीं का आता है, ग्यारहवीं में कादरी पहचाने जाते हैं। उसके बाद फिर एक महीना रजबुल मुरज्जब का आता है। जैसे रमजान में रोजेदार पहचाने जाते हैं, जुलहज्जा में हाजी पहचाने जाते हैं, मिलाद में आशिक पहचाने जाते हैं, मिलाद में आशिक पहचाने जाते हैं, ग्यारहवीं में कादरी पहचाने जाते हैं, उसी तरह रजबुल मुरज्जब की 13 तारीख को उलामा ने अली जश्न बनाकर अपनी मौलाई होने का सबूत। आज हम खानखाए कादरिया मुसविया में जश्न अली बना रहे हैं। आज से 1400 साल पहले वादिये मक्का में हजरत अबू तालिब के घर में सैयदुल मुरसलीन ने खुशी बनाई थी, खुद सैयदुल अंबिया ने खुशी बनाई थी। वैसे पता क्या चलता है, इसे मालूम क्या होता है कि जश्न अली में खुशी बनाना सैयदुल अंबिया की सुन्नत है, सैयदुल अंबिया की सुन्नत है, सैयदुल मुरसलीन की सुन्नत है। और मौला अली की जात इतनी पाक है, इतनी बुलंद है, इतनी आला है, इतनी वाला है, इतनी बरकत वाली है, इतनी शान वाली है कि अल्लाह ने जब उस जात को पैदा करना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उस जात को पैदा करना चाहा तो कहीं और नहीं किया, कहीं और नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहीं और नहीं किया बल्कि अपने खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह के बनाए गए घर में पैदा, काबा तुल्ला में पैदा फरमाया,
और अली ईमान का मरकज है। मौला अली जिस घर में पैदा हुए वो भी पाक, अली भी पाक से मालूम क्या, अली के वालिद भी पाक, अली के वालिदा भी पाक, अली का सारा घराना है, अली का सारा घराना ही पाक। इसी घराने के एक फर्द हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास एक हदीस बयान करते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास एक हदीस बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और अली अल्लाह के हुजूर तखलीक आदम से 14,000 साल पहले, कितने साल पहले, 14,000 साल पहले नूर की शक्ल में मौजूद थे। कौन सी शक्ल में, नूर की शक्ल में मौजूद थे। तो फिर हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने वो नूर आदम अलैहि सलाम की पेशानी में डाला, आदम अलैहि सलाम के पेशानी में डाला, आदम अलैहि सलाम के पेशानी में से होता हुआ पांच लोगों के जरिए, कौन से लोगों के जरिए, पांच लोगों के जरिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आया। अब्दुल फरमाते हैं फिर अल्लाह ने इसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा हजरत अब्दुल्लाह में डाला, एक हिस्सा हजरत अबू तालिब। इस्लाम कबूल, 7 साल में मुसलमान है, लेकिन आशिकान अली बात को गौर करें, मुसलमान तो वो होता है कलमा पढ़ के, मुसलमान तो वो होता है जो पहले काफिर था, लेकिन जो कभी काफिर था ही नहीं वो मुसलमान कहते, जो खुद कुल्ले ईमान है, जिसको मानना ही इस्लाम साबित होता है। मुस्तफा की तस्वीर को
बाबा फरीद गंजे शकर फरमाते हैं। कौन? बाबा फरीद गंजे शकर, करीब नवाज के खलीफा के खलीफा। के जब मौला अली की विलादत होने लगी, आपके वालिदा काबे का तवाफ कर रही थी, अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी, एकाएक आपने कुछ महसूस किया। आपने इरादा किया ही था कि मैं घर जाऊंगी, एकाएक काबे की दीवार शक होती है और अंदर से आवाज आती है कि आए फातिमा बिन्त असद। कुरैश में बेटा हुआ है, अबू तालिब के घर लड़का हुआ है, काबे में बच्चा हुआ है, देखते हैं कैसा हसीन और जमील होगा, क्या मुबारक होगा। तमाम लोग काबे के सहन में जमा हो गए, बड़े बड़े कुरैश के सरदार आ गए, सब मौला अली को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं बच्चा तो बहुत हसीन और जमील है, बहुत प्यारा है, बहुत नूरानी है, लेकिन अफसोस आंख नहीं खोल सकता। तीन दिन यही कशमकश में गुजर जाते हैं, लोग आते हैं और ऐसे कह के चले जाते हैं। तीसरे दिन मेरे और आपके आका 16 रजब के दिन आपके और हमारे नबी अपने खांदों पे अपनी काली कमली ओढ़ते हैं और अपने चचादान की घर आते हैं और कहते हैं मेरे भाई को मेरे हवाले कर, मेरे भाई को मेरे हवाले कर दिया जाए। जैसे ही अली को नबी के हवाले कर दिया जाता है, हुजूर हाथ में लेते हैं, मौला अली खुशबू से जान जाते हैं ये वही जात है जिसके साथ मैंने अर्श में कई साल गुजारे, उसके साथ मैंने अर्श में 14,000 साल गुजारे, 14,000 साल गुजारे हैं। मेरे अली ने आंख खोली और सबसे पहले मुस्तफा को देखा, सबसे पहले मुस्तफा को देखा। किसी ने पूछा कि आप काबे में पैदा हुए, आपने काबे को नहीं देखा, अपनों को नहीं देखा, परायों को नहीं देखा, हद तो ये हो गई अपने वालिद को नहीं देखा, सबसे पहले मुस्तफा को क्यों देखा। तो अली मुर्तजा फरमाते हैं मैं दुनिया में आने से पहले सोच कर आया था, दुनिया में आने से पहले सोच के आया था, अगर मैं दुनिया में सबसे पहले आऊंगा तो मैं सबसे पहले काबे को भी काबा बनाने वाली जात को देखा, काबे को भी काबा बनाने वाली जात को देखूंगा। मौला अली के कई नाम है, उसमें से एक हैदर भी है, उसमें से एक हैदर भी है। हैदर के माने आपको मालूम है? हैदर के माने बब्बर शेर को कहते हैं, बब्बर शेर को कहते हैं, और हैदर एक कर्रार पलट पलट के वार करने वाले शेर। किसी ने पूछा आपका नाम हैदर क्यों है, आपको हैदर क्यों पुकारते हैं? आप कहने लगे मेरी वालिदा ने मेरा नाम हैदर रखा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ और कुरैश के सरदार मुझे गोद में लेकर मेरी आँख खोलने की कोशिश करते तो मैं शेर की तरह उन पे वार करते, मैं शेर की तरह उन पे वार करते था, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, इसलिए मेरी वालिदा ने मेरा नाम हैदर रखा। और जश्ने अली बनाना, जश्ने अली बनाना, मौला अली से इश्क रखना, ये खुदा की नेमत है, खुदा का फजल है, खुदा का करम है। और ये नेमत हमें किससे मिली? किसी अरे गले से नहीं, किसी अरे गले से नहीं मिली, बल्कि अपने पीर और मुर्शिद शहजादे गौसे आदम से, शहजादे गौसे आदम हुज़ूर ख़तीब दक्कन से मिली। जितने भी बड़े फितने आते हैं, कितने
कितने भी बड़े फितने होने, हमारे और आपके पीर अपनी झूठियों तले उन्हें रौंद डालते हैं। लेकिन वो हयात है अपनी मजारे में। शहजादे गौसे आदम का अपने मुरीदों से प्यार करना, अपने मुरीदों का ख्याल रखना, अहले सुन्नत के लिए काम करना, उम्मते मुस्लिमा के लिए रहम रखना, उम्मते मुस्लिमा के लिए रहम रखना, अपने मुरीदों की दस्तगिरी करना, अगर आप किसी में देखना चाहते हैं, अगर आप किसी में देखना चाहते हैं तो हुजूर खतीब ज़मन में देखें, खतीब ज़मन में देखें, और जब महशर में खुदा अली वालों पे इनाम नाजिल करेगा, अली वालों को तोहफे देगा, अली वालों के चेहरे चमकते होंगे और वो जन्नत में जा रहे हैं। तो आज जो मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मौला अली की शान में जबान लड़ा रहे हैं, सरकार की शान में कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो जब अफसोस के साथ शर्म के साथ बोलेंगे, वो अफसोस के साथ बोलेंगे, या लैतनी कुंत तुराबा, या लैतनी कुंत तुराबा, या लैतनी कुंत तुराबा, काश मैं अबू तुराबी होता, काश मैं अबू तुराब वाला होता, काश मैं अली वाला होता, काश मैं दुनिया को अली में मान लेता और महशर में से रुसवाई का सामना करना ना पड़ता। महशर में जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन शान नहीं होगी। जब पोतरे की शान खत्म ना होगी तो दादा की, पोतरे की शान खत्म ना होगी तो दादा की कैसे होगी, अली शेर खुदा की शान कैसे। अब मैं अपनी तकरीर को यहाँ खत्म करता हूँ, क्योंकि आपको शहजादे हुजूर गौसे आजम जानशीन हुजूर खतीब दक्कन का भी खिताब सुनता है, जानशीने हुजूर खतीब दक्कन का भी खिताब सुनना है। मैं अपनी तकरीर को यहाँ खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लाइक लाइक खबर।